पापा, क्या लिखूं आपके बारे में और कहां से शुरू करूं? समझ नहीं आता मुझे किस मुंह से आपकी तारीफ करूं। याद है मुझे बचपन के वो दिन जब आप अपने कंधे पे बैठा के मुझे घुमाया करते थे। ऐसा लगता था जैसे आसमां के तारों पे हाथ पहुंच जाया करते थे। आप जब भी मुझे हवा में उछालते थे, मेरे इस नन्हे से दिल में कोई डर ना होता था। आंखों में खुशी की लहर होती थी क्योंकि मैं आपके मजबूत हाथों में होता था। आप तो सुबह होते ही ड्यूटी में चले जाते थे, पर मुझे दिन भर आपके घर आने का इंतजार होता था क्योंकि घर आते ही आपके गोद में खेलना जो होता था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, पर आपकी ड्यूटी से घर आने का इंतजार आज भी रहता है। क्या करूँ, ये घर आपके बिन अधूरा सा लगता है। आप दूर शहर में ड्यूटी पर जागते रहते हो ताकि हम घर में चैन और सुकून से सो सकें, पर छुट्टी लेकर जल्दी से घर आ जाया करो ताकि साथ में भी थोड़ा वक्त साथ गुजार सकें। पिता के लिए बहुत कम लिखा कहा गया है, मैं पिता के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, आखिर तक सुनिएगा। उम्मीद करता हूँ आप भी इन लाइनों से कहीं ना कहीं खुद को जोड़ पाओगे और अपने पिता के साथ ज़रूर शेयर करोगे। पिता हो तो ज़िंदगी की सारी मुश्किलें आसान लगती हैं, पिता ना हो तो ज़िंदगी बड़ी बेजार लगती है। पिता क्या होता है ये उनसे पूछो जिनके पिता नहीं हैं। बड़े संघर्ष से गुजरती है ज़िंदगी, इतनी आसान नहीं है। बड़े संघर्ष से गुजरती है ज़िंदगी, इतनी आसान नहीं है। मैं छोटा बच्चा था जब एकाएक सब कुछ तबाह हो गया। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया ये क्या से क्या हो गया। हम किराए के मकान में आ गए और आपने शहर छोड़ दिया। रहते भी किस मुंह से इस शहर में, अपने ही घर से देश निकाला हो गया। जिंदगी के इस सफर में यहाँ से आपका संघर्ष देखा है मैंने। जब सब ने हाथों साथ छोड़ दिया आपका, वो वक्त देखा है मैंने। जब कर्ज में डूबे थे तब सुबह सुबह 4-5 बजे अपने ही शहर से मुंह छुपा के जाना देखा है मैंने। आप चुप रहे, आपने कभी पलट के किसी अपने को जवाब नहीं दिया, पर कोई अपना नहीं था जिसने बुरे वक्त में आपका साथ दिया। बुरा तो आपको भी बहुत लगा, पर आप गम के आंसू पी चुप रहे। आपने अकेले हौसला बांधा और हम सबको साथ लेके चल दिए। महीने के 5,000 रुपये हाथ में आते थे हमारे, उसमें भी आपने अपनी ज़रूरतें काट के घर चलाना सिखाया। मैं ज़िंदगी भर कर्जदार रहूँगा आपका, आपने मुझे जीना सिखाया। अपने लिए जो खुशियाँ खरीद सकते थे उसको भी आपने हम पे ही लुटाया। मैं जानता हूँ आपने कितने संघर्ष में इस घर को है चलाया। कोई बात नहीं जो कोई अपना आपके साथ ना आया, आपका बेटा खड़ा है आपके पीछे बन के आपका ही साया। आपके आशीर्वाद से ही मैंने सब पाया है, मेरे पास कुछ नहीं, कुछ है तो वो आपका ही कमाया है। मैंने खुद कुछ कमाया तो वो बस नाम है, पर उसका भी कारण आपके ही दिए संस्कार हैं। आज तक आपने मुझसे कभी 1 भी रुपये का हिसाब नहीं मांगा, पर मैं भी आपका बेटा हूँ, मैंने इसका कभी फ़ायदा नहीं उठाया। एक बात और कहना चाहूँगा, पिता अकेले पूरे घर को चलाता है, पिता अपना दर्द अपने तक रख जाता है, पिता अपने सारे शौक छोड़ के पूरे परिवार का गुजर बसर कराता है, पिता एक मजबूत वृक्ष है जो अपने कांधों पे पूरे परिवार को चलाता है। पिता हैं तो बाजार से हर चीज़ खरीद सकते हैं, पिता हैं तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, पिता हैं तो घर में रोशन चिराग है, पिता से ही माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, और पिता नहीं है तो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। जाके ज़रा पूछो उनसे जिनके पिता नहीं हैं। बड़े संघर्ष से गुजरती है ज़िंदगी, इतनी आसान नहीं है। बड़े संघर्ष से गुजरती है ज़िंदगी, इतनी आसान नहीं है। पिता हो तो ज़िंदगी की सारी मुश्किलें आसान लगती हैं, पिता ना हो तो ज़िंदगी बड़ी बेजार लगती है। पिता क्या होता है ये उनसे पूछो जिनके पिता नहीं हैं। बड़े संघर्ष से गुजरती है ज़िंदगी, इतनी आसान नहीं है। बड़े संघर्ष से गुजरती है ज़िंदगी, इतनी आसान नहीं है। लव यू पिताजी, आपके इस संघर्ष ने मुझे ज़िंदगी को जीना सिखाया है। मैं कर्ज़दार हूँ आपका, आपने मुझे मजबूत इंसान बनाया है, आपने मुझे हर बुरे दौर से लड़ना सिखाया है। मैं कर्ज़दार हूँ आपका, आपने ज़िंदगी को सही मायने में जीना सिखाया है, आपने ज़िंदगी को सही मायने में जीना सिखाया है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पिताजी, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहना। बहुत गम देखे हैं ज़िंदगी में आपने, बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं, आपने हमें इन सब से बाहर निकाला है। अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। चरण स्पर्श प्रणाम।